everyone is doing well. New day with new topic. पर ये टॉपिक न्यू नहीं है बिकॉज इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिमांड आई है. लॉट ऑफ पीपल रिक्वेस्टेड मी टू डिस्कस दिस टॉपिक. आज का टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू लूज वेट विदाउट डाइटिंग और विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल पेनी. आप थोड़ा हैरान हो जाओगे. मैं ऐसे ही करती. देयर वॉज अ टाइम आई वॉज वेरी ओवरवेट. मेरे को कुछ पता नहीं था. सब लोग यू आर फैट, यू आर मोटी, दिस एंड दैट. और आई वॉज ऑल्सो वेरी मच ओवरवेल्म्ड सम टाइम. मैं भी कभी कभी बहुत स्ट्रेस हो जाती थी. एंड आई वॉज थिंकिंग हाउ आई एम गोइंग टू लूज द वेट. हाउ यू कैन मेक एनी चेंज इन योर बॉडी इफ यू डोंट नो who you are or if you don't know what is your body requirement. तो पहले मैं ये कहती हूँ self love. Simple. You don't need to do anything else. अपने आप से प्यार करो. Stop criticizing you. अपने आप को accept करो जिस भी shape में हो. Either you are fat, either you are thin, doesn't matter. अपने आप को समझने की कोशिश. ये जान लो हु आई एम, हाउ आई लुक एंड हाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई सेल्फ. सब कुछ भूल के ये सोचो आई एम द बेस्ट. मैं जिस शेप में हूं, जैसी लगती हूं, क्या पहनती हूं, क्या खाती हूं, दैट्स इंटायरली अप टू मी. मैं अपने आप से प्यार करती हूं. मैं ये नहीं कह रही इफ यू आर ओवरवेट आप अपने आप को छोड़ दो, इट्स ओके. डेफिनेटली ओवरवेट इज नॉट हेल्दी. यू नीड टू स्टे फिट बिकॉज इफ यू आर ओवरवेट यू विल गेट लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. बट ओवरवेट डजंट मीन यू कैन गेट ऑल द टाइम स्ट्रेस और ड्यू टू दैट स्ट्रेस यू आर ईटिंग टू मच. यू आर जस्ट ओवरवेल्म ऑल द टाइम. And just keep saying in front of others as well as yourself, I know I'm overweight. I know nothing is going to fit me. I know I don't look good. सबसे पहले वेट को लूज करने से भी पहले you need to clean your mind that I'm overweight. जिंदगी में मोटे होना पतले होना it's a part of life. But yes, with your common sense, with your knowledge, you can change your body structure. वो कैसे? सबसे पहले मैंने कहा है self love. Under self love में examine yourself, how you look, how you can change yourself. Number two, you have to eat everything. Do not believe in dieting. मैं सब कुछ खाती हूँ. I always make sure I'm not eating full of oil food. हफ्ते में एक बार अगर मैंने पकोड़ा खा लिए that's fine. But next day I have to make sure I'm eating healthy. Healthy, हमारा Indian food बहुत healthy है. Eat chapati, eat dal, eat sabji. That's good enough to keep your health healthy. उसमें ये है जब भी आप खाना खाते हो you make sure खाने का portion कितना है. But उसमें भी मैं ज्यादा पोर्शन नहीं सोचती. इफ आई एम हंग्री आई ईट गुड. खाने के बाद यू मेक श्योर उसके बाद यू हैव टू गेट अप एंड स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर. खाने के बाद एक दिन बैठना और स्पेशली खाने के बाद लेट जाना, बेड पे जाके लेट के टीवी देखना, दैट्स नॉट हेल्दी और दैट गिव यू लॉट ऑफ कैलोरीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम. मेक श्योर व्हेन यू ईट, ईट गुड. Then after eating, be active. कोई ऐसे काम करिए जिससे आपकी बॉडी मूवमेंट रहती है. क्योंकि अगर आप खाने के बाद एक दिन बैठ जाते हो, आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं होती, तो उससे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी होगी और आपका ओवरवेट भी होगा. मैंने जैसे कहा है सेल्फ लव. जब हम अपने आप को प्यार करते हैं तो वी नो वट वी नीड टू कंज्यूम इन अवर बॉडी, what we have to eat which is healthy. But
डोंट डू डाइटिंग, मैंने लंच नहीं खाया, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं खाया, ऑलवेज ईट थ्री मील, हेल्दी हो। मैं बिकॉज वी आर इंडियन, मैं पूरा पूरा राइस, पूरी चपाती, पूरी दाल सब्जी में बिलीव करती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कीप ईटिंग एवरी डे राइस, वैरायटी इन द फूड, एक दिन पूरी, एक दिन राइस, एक दिन चपाती, एवरीथिंग यू हैव टू ईट, बट जस्ट रिमेम्बर यू आर गेटिंग अप, यू आर कीपिंग मूवमेंट्स। आफ्टर ईटिंग टेक अ स्मॉल वॉक, आफ्टर ईटिंग डोंट सिट, अगर 5-10 मिनट बैठे हो, गेट अप, बी एक्टिव, यू मेक श्योर योर फूड इज गेटिंग डाइजेस्ट। ये सिंपल चीज है, यू डोंट नीड एनी मनी फॉर दिस थिंग, यू डोंट नीड एनी डाइटिंग टू कीप योर सेल्फ फिट। अदर थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, मेक श्योर योर इनटेक वाटर, यू आर टेकिंग एनफ वाटर। वाटर, पानी एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को हमेशा चाहिए। और मैं, आई वॉजेंट लाइक दिस, मैंने जैसे बोला आई वॉज फैट, मैं पानी बहुत कम पीती थी। पानी एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को क्लियर करता है। यू मेक श्योर 6 to 8 glass ऑफ वाटर, प्लेन वाटर। मैं किसी चीज में बिलीव नहीं करती भी, उसमें हनी डालो, ये डालो। अगर आप अपने दिन डे टू डे लाइफ में यू इंक्रीज द वाटर इनटेक, यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज, आप यू फील मोर एक्टिव। बिकॉज अगर जब आप पानी पीते हो, यू फील मोर एक्टिव, बिकॉज वाटर से आपको स्ट्रेंथ आती है, एनर्जी आती है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, दीज आर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो प्लीज मेक श्योर यू लिसन टू योर बॉडी and see what works better for you. So this is, I'm telling you what I found myself and what benefit I got it. Other thing is, thodi si walk din mein, you're not used to walk. Main bhi aise hi thi, I never walked in my life. But I started with 5 minutes. Jaise aap kaam kar chuke ho, just take, agar aapke garden nahi hai, backyard nahi hai, you can just around your bedroom or your living room, just take small walk, 5 minutes, 10 minutes. After walking 5 minutes every single day or 3 days in a week, you will see your body resistance. आपको एक आदत बन गई है, आपकी body अब demand करती है, you need to get up and walk. When you started walking 5 to 10 minutes, 3 days, you will see gradually you are increasing and you feel like I have to walk every single day 5 minutes, because you feel good, your body feel better. These are very important things which you need to include in your schedule. Day to day life mein dieting nahi karni, khana pura khana hai, khane ke baad active rehna hai, pani ka intake increase karna hai, जिससे आपकी हेल्थ बेटर होगी। वॉक करना है 5 मिनट, 10 मिनट। बच्चे हैं घर में, बच्चों को बाहर लेके बाहर वॉक पे जाइए, छोटी छोटी वॉक करिए। और इफ यू हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे आपकी बैक प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट वॉक, आप चेयर के बैठे बैठे भी अपने लेग्स को अप एंड डाउन, आर्म्स को अप एंड डाउन, बॉडी मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बर्न योर कैलोरीज and to be energetic. Up, I would like to say here, because I'm a certified laughter yoga teacher, hasna. Hasne se aapki calories burn hoti hai, your blood circulation tez hota hai, you get, your energy level goes up. So hasna, watch those shows which makes you laugh. Don't watch too much serious shows which give you more stress. Haso. खुल के हंसो। इफ यू डोंट वॉच टीवी, गो आउट इन द गार्डन, इन द पार्क, लाफ लाउडली, स्टार्ट विद स्लोली स्लोली, देन यू विल सी द चेंज। और ये पॉलिसी अपनी लाइफ में रखिए, आई कैन डू इट, आई डिड इट। क्या होता क्या है, अपने आप की विल पावर हमेशा स्ट्रांग रखनी है अपनी। मेरा वेट ज्यादा है डजंट मीन आई एम नॉट लुकिंग गुड, I still love myself.
वेट लूज करना, आई स्ट्रांगली बिलीव ईट एवरीथिंग, वॉक, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, लव. हाउ यू कैन लूज वेट विद सिंपल वे, बॉडी मूवमेंट. 5-10 मिनट बैठने के बाद या 2 घंटे के बैठने के बाद यू मेक श्योर यू आर वॉकिंग, योर बॉडी इज मूविंग. Overweight doesn't mean be you don't have any life. You have still life. You have still right to love. मैंने बहुत simple आपको बोला है. Don't do dieting. Eat very healthy. Drink lot of water. Keep walking, laughing, clapping, and keep smiling. I hope these simple techniques going to work for you. And if you have any question and concern, please do let me know. And I'm always here to help you guys, but always listen to your body. Thank you so much, and I'm going to see you in my next video. Thanks a lot.